हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आज सुबह सुबह क्या हैं आपके लिए। ओके, यहाँ मैं रैंडमली कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड आया है द हाई प्रिस्टिस। नेक्स्ट आया है द चैरियट। नेक्स्ट है द हर्मिट। नेक्स्ट आया है सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पर साइन है मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो मेष सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके साइन हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वह है 6 नंबर एंड 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ओके, ये आपकी बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं लकी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट हो सकती हैं ये। सो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते हुए इस रीडिंग को देखें और पॉजिटिव माइंड के साथ देखें। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से। यहाँ ऐसा लगता है कि आप आज सुबह से ही काफ़ी इमोशनल हैं। आपको आपके पार्टनर की बहुत याद आ रही है और आप ये चीज़ काफ़ी छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, अपने लिए सोचना है। और बट आप नाकामयाब हो रहे हैं इस चीज़ में कि आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। आप एक्शंस लेना चाहते हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं बट कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। और आपको जो भी आपके पार्टनर के साथ उम्मीदें थीं वो भी कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आए हैं द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, इन कार्ड्स को देखकर तो ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी इमोशनल हैं। भले ही उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चॉइसेस हों बट वो आपसे प्यार करते हैं। भले ही उनकी लाइफ में इस वक्त आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ नाराज़गी दिखाई दे रही है, बट उनकी लाइफ में कितनी सारी भी चॉइसेस क्यों ना हो वो आप ही के सपने देख रहे हैं। यहाँ सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं बट वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं उन चॉइसेस के बीच में भी, जिसकी वजह से भी वो आपकी तरफ चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। और ऐसा लगता है कि वो आपको ही अपने जीवन में पाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ टाइम के लिए आपसे दूरी ज़रूर बनाई है बट वो इनर सर्चिंग कर रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं और बाकी सारी जो उनके पास चॉइसेस है उनके बारे में भी सोच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको वो ऊपर ही मानते हैं उन सारी चॉइसेस से। उनको ऐसा लगता है कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और ये सारी चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कोई भी वक्त हो, सुबह का वक्त हो, आपको याद करते ही रहते हैं। इनके माइंड में, इनके दिल में आप 24 आवर्स चलते रहते हैं, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में पॉजिटिव नहीं है या इनकी थिंकिंग आपको लेकर नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव सोचते हैं, इनकी थिंकिंग भी पॉजिटिव है आपके लिए, बट कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में स्टक हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जो ये चाहते हैं इन्हें वो चीज़ मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से भी जो इन्हें मिल रहा है उसे इग्नोर कर रहे हैं। इन्हें उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है जो इनको मिल रही है, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं स्टक हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना तो ये वापस आते हैं और ना ही ये आपसे कोई कांटेक्ट करते हैं, ऐसा यहाँ लग रहा है। बट ये इंसान सोचते ज़रूर हैं अपनी गलतियों के बारे में भी, आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं। यहाँ ऐसा लगता है इनके दिल में आपके लिए काफ़ी प्यार भी है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इतना नहीं है कि ये आपके लिए कुछ भी कर जाने के लिए रेडी हों। यहाँ इनको ऐसा तो लगता ही है कि इनको अपनी लाइफ में जो पार्टनर चाहिए था शायद इनको वो मिला नहीं और अब ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं किसी और पार्टनर के साथ। और आज सुबह से ही इनके दिल और दिमाग में कश्मकश चल रही है इन सारी ही चीज़ों को लेकर, ये सोच रहे हैं। ओके, बाय बाय।